नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभांगी पांडे और स्वागत है आपका न्यूज एट द रेट 10 में। चलिए बुलेटिन के करते हैं शुरुआत बड़ी खबर के साथ। 24 के लिए दिल्ली में बीजेपी का महामंथन हुआ, यूपी बीजेपी की अहम बैठक 3 घंटे तक चली। नड्डा शाह ने दिया 2024 में जीत का मंत्र, ओबीसी वर्ग को साधने की बनी रणनीति। यूपी और बिहार में खासकर रहेगी पिछड़ों की दावेदारी ज्यादा, यूपी में जल्द गठित हो सकता है पिछड़ा वर्ग आयोग। तो खबर आपको बता रहे हैं जहां पर 24 के चुनाव के लिए बीजेपी तैयार है। और आपको बता दें कि 24 के लिए दिल्ली में बीजेपी का महामंथन हुआ, यूपी बीजेपी की अहम बैठक 3 घंटे तक चली। नड्डा शाह ने दिया 24 में जीत का मंत्र, ओबीसी वर्ग को साधने की रणनीति बनी। यूपी बिहार में खासकर रहेगी पिछड़ों की ज्यादा दावेदारी, यूपी में जल्द गठित हो सकता है पिछड़ा वर्ग आयोग। तो खबर बता रहे हैं आपको दिल्ली से खबर आपको बता दें जहां पर पिछड़ा वर्ग आयोग को बनाए जाने की खबर आ रही है। 24 के लिए दिल्ली में मंथन हुआ है और बैठक में 3 घंटे तक नड्डा शाह ने जीत का मंत्र दिया और ओबीसी वर्ग को साधने की रणनीति बनाई। यूपी बिहार में खासकर रहेगी पिछड़ों की दावेदारी ज्यादा, यूपी में जल्द गठित हो सकता है पिछड़ा वर्ग आयोग। तो कल बीजेपी की बड़ी बैठक हुई और तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें पिछड़ा वर्ग आयोग को लेकर भी चर्चा की गई है। 24 के चुनाव को लेकर के नड्डा ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। तो 24 के लिए दिल्ली में बीजेपी का महामंथन हुआ है, यूपी बीजेपी की अहम बैठक 3 घंटे तक चली। नड्डा शाह ने 24 के चुनाव को लेकर के जीत का मंत्र दिया, ओबीसी वर्ग को साधने के लिए रणनीति बनी और यूपी बिहार में खासकर पिछड़ों की दावेदारी ज्यादा रहेगी, इसको ध्यान में रखा गया और यूपी में जल्द गठित हो सकता है पिछड़ा वर्ग आयोग। खबर बता रहे हैं आपको दिल्ली से। दिल्ली से खबर आपको बता दें जहां 24 के लिए दिल्ली में बीजेपी का मंथन हुआ है, ओबीसी वर्ग को साधने के लिए रणनीति बनाई गई है। आपको बता दें कि यूपी बीजेपी की अहम बैठक 3 घंटे तक चली और नड्डा शाह ने इसमें जीत का मंत्र भी दिया। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। विजय जी, सुनने में आया है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठन हुआ है, इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां देखने को मिली और क्या कुछ जानकारी है? देखिए, पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठन नहीं हुआ है, लेकिन जो एक मांग है पिछड़ों की वो ऊपर विचार किया जा सकता है और जल्द ही इसको लेकर एक जो शुरुआती सरकारी जो शासन स्तर पर जो एक नियम और योजनाबद्ध तरीके से इसकी शुरुआत कराई जा सकती है। क्योंकि 2024 के चुनावों से पहले बीजेपी को एक बार फिर से पिछड़ों की याद आ गई है और पिछड़ों को एक बार फिर वो मुख्य फोकस पर रखकर यूपी और बिहार जैसे बड़े राज्यों में जो संगठन में भी बड़ी दावेदारी है, जो संगठन में पिछड़ों नेता है उनके साथ कल मंथन किया है, उसमें उनको अपना एजेंडा सौंपा है कि सरकार की जो पॉलिसी है वो पिछड़ों के लिए हिसाब से बनी हुई है, उसका प्रचार प्रसार किया जाए और इनके दलों से जो प्रभावी नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित करके उनके साथ जोड़ना और इस तरीके के तमाम जो संगठन के स्तर पर जो कार्य हैं उनको और जो शासन के स्तर पर कार्य हैं उन सबको अब तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा और जल्द ही इसको कहा जाए तो पिछड़ों की पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी लीड लेने की तरफ से आगे बढ़ रही है। बिल्कुल विजय जी, जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। तो 24 के लिए दिल्ली में बीजेपी का कल महामंथन हुआ, यूपी बीजेपी की अहम बैठक चली। आपको बता दें कि इस बैठक में पिछड़ा वर्ग से जुड़े तमाम नेताओं को शामिल किया गया था, खास करके यूपी और बिहार के नेताओं को इसमें वरीयता दी गई। और अब खबर यह आ रही है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सकती है बीजेपी।